चावल एक ऐसा कंफर्ट फूड है जिसे अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं और इसको हम कई वैरायटीज में बना भी सकते हैं। चाहे आप इसको दाल के साथ सर्व करें या सांभर राइस सर्व करें या फिर पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, तो चावल को हम कई तरीकों से बना सकते हैं। और आज इस वीडियो में एक ऐसा ही तरीका शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन सब्जियों के मसालों के हम इसमें यूज़ करेंगे जो आपने शायद ही पहले कभी ट्राई किए होंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे या फिर एक पैन ले लें, उसे गर्म करने के लिए रख दें और साथ ही में हम उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं बटर। मक्खन इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच बटर यूज़ किया है। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 गार्लिक की कलियाँ। साथ ही में डाला है मैंने एक प्याज जूलियंस में कट किया हुआ, यानी कि पतला पतला लंबा लंबा कट करके आप इसको डाल दें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। मीडियम फ्लेम पर आप इसको सेकें और एक ही मिनट में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिर्च जो मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। यहाँ मेरी हरी मिर्च बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, तो आप हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग इसमें डालें। इसको भी हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। तो सब्जियों में यहाँ मैंने लिया है बीन्स, कैरेट और गाजर। इन सबको छोटा कट कर लिया है और ये टोटल मिला के 1 कप सब्जियाँ मैंने इसमें यूज़ की हैं। इन सब्जियों को हम 1 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी मैंने पतला और छोटा कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दें। फिर डालेंगे इसमें टमाटर जिसको मैंने छोटा छोटा कट किया है, 1 टमाटर मैंने यूज़ किया है। कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और कुछ बारीक कटे हुए धनिया पत्ती। साथ ही में डालेंगे इसमें सेजवान सॉस 1 बड़ा चम्मच और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। साथ ही में इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, इसको भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप बॉयल्ड राइस, यानी कि चावलों को मैंने अच्छे से उबाल लिया था पानी में, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर हमारे चावल ठंडे हैं, गर्म नहीं हैं। अगर आप तुरंत ही बॉयल करके राइस यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर वो रूम टेम्परेचर पर हों, बहुत गर्म ना हो। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एक बहुत ही इजी सी रेसिपी है और येट इट्स सो फ्लेवरफुल एंड डिलीशियस। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और इसकी पिक्चर क्लिक करके यू कैन शेयर इट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज cookeasy.vishruti। चावल जब एकदम तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे फ्रेशली चॉप्ड हरे धनिए के साथ। अब आपका गर्मा गर्म मसालेदार पुलाव सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको एकदम गर्मा गर्म परोसें और क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी है, अच्छा खासा स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किया है, तो आप इसको दही के साथ, रायते के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। आई रियली होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन अमेजिंग ईजी डिलीशियस रेसिपी। Till then, stay connected to Cookeasy with Shruti. Bye-bye and take care.